हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है दार्जिलिंग का टूर, जो हिमालय की गोद में बसा दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जहां प्रकृति की अपनी सारी खूबसूरत बिखरती है। चाय के बागानों की खुशबू और कंचनजंगा की चमक दार्जिलिंग के पहाड़ियों का जादू हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। तो बस चलिए, आप और हम मिलकर घूमते हैं दार्जिलिंग। फर्स्ट हम देखेंगे आएंगे पीस पगोड़ा। ये पहाड़ी की ढलान की स्थिति पर है। पहले हम एंटर करेंगे तो उसमें देखेंगे एक पिलर जो जिसमें जापानीज लैंग्वेज में लिखा गया है। और वहाँ पर देखेंगे जापानीज टेम्पल। इसके चारों तरफ व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये दार्जिलिंग में स्थिति इस पीस पगोड़ा में लॉर्ड बुद्ध के चार अवतार को प्रदर्शित किया गया है। वो दो मंजिला इमारत है। जब आप इसके परिक्रमा करेंगे तो लॉर्ड बुद्ध के लाइफ के बारे में मालूम पड़ जाता है। बहुत ही खूबसूरत। और अब जब भी आप लोग आएंगे तो यहाँ पर एक बार परिक्रमा कर लेगा। ये टी गार्डन दुनिया भर में मशहूर है। ये जगह यहाँ पर आएंगे तो एक बार उनका ट्रेडिशनल का ड्रेस पहन के इसका लुक उठाना चाहिए। बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं ट्रेडिशनल लुक में ड्रेस पहन के फोटो उठा के। यहाँ आए हैं तो दार्जिलिंग का चाय जरूर टेस्ट करना है, क्योंकि ये दुनिया भर का मशहूर है ये जगह। तो यहाँ का चाय भी टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ का चाय भी बहुत टेस्टी था, बहुत। जब दार्जिलिंग आएंगे तो उसके फेमस मार्केट जो है मॉल मार्केट जो बोलते हैं, यहाँ पर दुनिया भर का हर सामान यहाँ पर मिलता है और अच्छे रेंज में आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ मार्केट भी थोड़ा सा देख लेंगे। जब आप लोग दार्जिलिंग आना चाहते हो तो आप लोग 3 days 2 nights का ट्रैवल करिए, क्योंकि यहाँ पर 2 days में आप लोग ना बहुत हर प्लेस एक छोटे छोटे हर प्लेस भी आप कैप्चर कर पाएंगे। बहुत खूबसूरत है।